Yeah, hello students and welcome back again in our video tutorial. So previous lecture में हमने पढ़े थे general features of superclass Pisces और आज के lecture में हम शुरू करने वाले हैं about the classes of Pisces. तो as earlier discussed, जो superclass Pisces होता है उसके तीन classes होते हैं. पहला class होता है Placodermae, जिसके जो members हैं वो extinct हो गए हैं. और पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था मोस्ट प्रिमिटिव फिश के बारे में, क्लेमाइटियस के बारे में, तो प्लेकोडर्माई का मेंबर होगा. सेकंड क्लास होता है कॉन्डिरिस्थिस और इलास्मोब्रैंक फिशेस, जिनको सिंपली कहते हैं कार्टिलेजनस फिशेस. तो आज का जो लेक्चर होगा वो फोकस होगा कार्टिलेजनस फिशेस पर और उसके एग्जाम्पल पर. नेक्स्ट जो लेक्चर पढ़ेंगे वो बोनी फिशेस पर होगा, उनके एग्जाम्पल्स पर होगा. तो सुपर क्लास पाइशीज के जनरल फीचर्स के बाद अगर मैं क्लास प्लेकोडर्माई के जनरल फीचर्स आपको बताऊं, तो उसके बारे में आपको दो स्टेटमेंट याद रखने हैं. इफ़ आई डिस्कस अबाउट क्लास प्लेकोडर्माई, इनके बारे में याद रखना है दीज आर द एक्सटिंक्ट ट्रू फिशेस. जब इवोल्यूशन पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं तो इट इज़ बिलीव्ड कि ये डिवोनियन पीरियड में खूब सर्वाइव हुए और परमियन पीरियड में जाके ये एक्सटिंक्ट हो गए. तो डिवोनियन पीरियड के बाद जो अगला पीरियड आता है वो होता है परमियन पीरियड. सो दे आर द वन विच आर बिलीव टू लिव्ड फ्रॉम डेवोनियन पीरियड, जियोलॉजिकल टाइम स्केल के बारे में कल थोड़ा जिक्र हुआ था हमारा, टू परमियन पीरियड. ठीक है बेटा, अब इनके हमें एक्सटिंक्ट फॉसिल ही मिले हैं. इनके बारे में जब बात की जाती है, इनकी बॉडी भी हार्ड प्लेट से कवर्ड होती है और वो स्केल्स होते हैं. हमने जब ऑस्ट्रेकोडर्माई को बोला था उनको आर्मर्ड फिशेस बोला था, पर ये भी है ऑस्ट्रेकोडर्माई फिशेस नहीं होते हैं, दे आर फॉल्स फिशेस. ऑस्ट्रेकोडर्माई कहाँ में आया था? एग्नाथा में आया था. और जितने भी फिशेज हैं वो कहाँ पढ़ने हैं आपको? पाइशीज में पढ़ने हैं. सो दे आर द वन विच आर ट्रू फिशेज विच लिव इन फ्रेश वाटर. तो इसके बारे में आप याद रखना, दीज आर फ्रेश वाटर ट्रू फिशेज विच आर एक्सटिंक्ट. फ्रेश वाटर ट्रू फिशेज विच आर एक्सटिंक्ट नाउ हैज बीन क्लासिफाइड इन प्लेकोडर्माई. उनका अच्छा वो कार्टिलेजनस स्केल होते थे या बोनी स्केल, उनके स्केल जो है ना प्लेट की फॉर्म में होते थे. और उनके जो फॉसिल मिले तो पता चला उनकी जो बॉडी है इट इज़ कवर्ड बाई बोनी प्लेट्स. उनका जो बॉडी है, बॉडी इज कवर्ड बाय बोनी प्लेट्स, इसलिए इसी वजह से उनको ट्रू आर्मर्ड फिशेज कहा जाता है. ट्रू आर्मर्ड फिशेज. देखो मैंने ऑस्ट्रेकोडर्माई में भी बोला था आर्मर्ड फिश के बारे में, बट दे आर नॉट ट्रू फिश. दे आर नॉट ट्रू फिश. दीज फिशेज आर ट्रू आर्मर्ड फिशेज. And the classical example of Placodermae would be Clematius, which is first jawed fish. The Clematius example of Placodermae, आप याद रखेंगे Clematius. And Clematius is first jawed fish. और कल बताया भी था हमने कि सबसे primitive fish होती है Clematius. तो बच्चों बिफोर स्टार्टिंग द रियल लेक्चर और रियल टॉपिक ऑफ द डे, पहले हमने पढ़ लिया कुछ फीचर्स ऑफ क्लास प्लेकोडर्माई. अब मैं शुरू करने वाला हूँ क्लास कॉन्ड्रेरिस्थिस और क्लास ऑफ फिशेज जिसमें कार्टिलेजनस फिशेज क्लासिफाई किए गए हैं. तो पहले हम पढ़ेंगे कार्टिलेजनस फिशेज के जनरल करेक्टरिस्टिक फीचर क्या होते हैं और फिर वन बाई वन हम लोग पढ़ते चले जाएंगे अबाउट देयर एग्जाम्पल. तो कार्टिलेजनस फिशेज को हम इलास्मोब्रैंक भी कहते हैं. इलास्मोब्रैंक इसलिए कहते हैं क्योंकि ग्रीक वर्ड जो इलास होता है, इलास्मो होता है, उसका मतलब होता है मेटल प्लेट. और जो ब्रैंक के वर्ड है उसका मतलब है गिल्स. सो दीज आर द एनिमल विच आर हैविंग मेटल प्लेट लाइक स्केल एंड दे आर हैविंग गिल्स. तो हम इसको इलास्मोब्रैंक भी कह देंगे. फिर सिंपलेस्ट डेफिनेशन में कार्टिलेजनस फिश को एक्सप्लेन करते हैं. दे आर द वन विच बियर कार्टिलेजनस एंडोस्केलेटन, नोटोकॉर्ड इज परसिस्टेंट. तो एनिमल विद विच बी अ कार्टिलेजनस एंडोस्केलेटन विद ए परसिस्टेंट नोटोकॉर्ड वुड बी कार्टिलेजनस फिशेज. अबाउट 600 ऑफ द मेंबर्स वुड बी देयर विच आर कंप्लीटली मेराइन. सो लेट अस स्टार्ट विद द
क्लास, देखो प्लेकोडर्माई के बारे में कुछ जिक्र नहीं है अपने एनसीईआरटी में, बस क्लाइमेटियस का नाम आप प्लीज़ याद रख लेना, क्लाइमेटियस वगैरह के बारे में क्वेश्चन पूछ लेते हैं। तो लेट अस स्टार्ट अवर टॉपिक ऑन कार्टिलेजनस फिशेज, दैट इज क्लास कॉन्ड्रिरिस्थिस, कॉन्ड्रिसाइट्स और सिंपली कॉल्ड इट कॉन्ड्रिरिस्थिस, और आई विल कॉल देम क्लास ऑफ कार्टिलेजनस फिश, आई विल कॉल देम दिस इज द क्लास ऑफ कार्टिलेजनस फिशेज, और दे आल्सो नोन एज, दिस नेम इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्वेश्चन वगैरह में ये नाम यूज करते हैं इन ऑर्डर टू कंफ्यूज स्टूडेंट, और इलास्मो ब्रेंकाई, इलास्मो ब्रेंकाई और सिंपली इलास्मो ब्रेंक फिशेज। जो इलास्मो वर्ड होता है, इलास्मो वर्ड का ग्रीक में मतलब होता है मेटल प्लेट्स, इलास्मो वर्ड का ग्रीक वर्ड से मतलब आया मेटल प्लेट्स, और जो ब्रेंकाई है इसका मतलब होता है गिल्स। सो इलास्मो ब्रेंक फिशेज इज द अदर नेम ऑफ कार्टिलेजनस फिशेज, और क्यों कहा गया है, क्योंकि उनके जो प्लेकोड स्केल होते हैं दे आर लाइक मेटल, और साथ में उनके पास गिल्स भी होते हैं। ऐसे बोनी फिश को टेलीओस भी कहेंगे, आई विल बी टेलिंग यू। सो विच आर कार्टिलेजनस फिशेज, दीज आर द वन विच आर हैविंग अ कार्टिलेजिनस एंडोस्केलेटन, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट टू रिमेंबर, नोटोकोड इज परसिस्टेंट, नोटोकोड परसिस्टेंट ऑल ओवर द लाइफ, एंड अबाउट 600 स्पीशीज आर कार्टिलेजनस। तो जो सबसे ज़्यादा बताए भी थे आपको कोडेट वो फिशेज में आएंगे, उसमें सारे के सारे बोनी फिशेज हो जाएंगे, कितने से ये देखना, सिर्फ 600 स्पीशीज ही कार्टिलेजनस है। तो अब शुरू करते हैं, जनरल करेक्टरिस्टिक फीचर, जनरल करेक्टर्स ऑफ कार्टिलेजनस फिशेज। तो पहला पार्ट ऑफ लेक्चर वुड बी अबाउट देयर जनरल करेक्टरिस्टिक फीचर, और सेकेंड पार्ट ऑफ द लेक्चर वुड बी अबाउट देयर एग्जाम्पल्स। तो जनरल करेक्टरिस्टिक फीचर के बारे में बात करें बच्चे, सबसे पहले याद रखना ये जो फिशेज होते हैं ये एक्सक्लूसिवली मैराइन होते हैं, दीज आर ओनली एंड ओनली फाउंड इन सी वाटर, डेट इज एक्सक्लूसिवली मैराइन। देन सेकंड जो पॉइंट आई विल लव टू डिस्कस डेट वुड बी अबाउट द एंडोस्केलेटन एंड नोटोकोड। सो एंडोस्केलेटन इज मेड अप ऑफ कार्टिलेज एंड नोटोकोड इज परसिस्टेंट ऑल ओवर द लाइफ, जो यहाँ पे मेंशन किया है, ठीक है। तो एंडोस्केलेटन is made up of cartilage, endoskeleton is made up of cartilage and notochord persist all over the life, notochord is persistent। मैं ये चीज़ चार बार बता चुका हूँ आपको कि cartilaginous fishes तक notochord persistent रहेगी, bony fish से वो replace होना शुरू होगी all over their life। हाँ ये ज़रूर है कि कुछ part notochord का मॉडिफाई होना शुरू हो जाता है क्रेनियम और वर्टिबल कॉलम में, तो अभी तक परफेक्ट वर्टिबल कॉलम या क्रेनियम वगैरह डेवलप नहीं होता है। डन अबाउट एंडोस्केलेटन। फिर बात करते हैं इनके एक्सोस्केलेटन के बारे में, हमने कंसेप्ट ऑफ स्केल्स में भी पढ़ा था कि जो एक्सोस्केलेटन होता है कार्टिलेजनस फिशेज का वो प्लेकोइड स्केल के का बना होता है, और उनके जो टीथ होते हैं वो भी मॉडिफाइड प्लेकोइड स्केल ही होते हैं। तो एक्सोस्केलेटन के लिए आई विल यूज द टर्म दैट एक्सोस्केलेटन ओवर द स्किन is made up of placoid scale, teeth are modified placoid scale which are directed backwardly। exoskeleton ke bare mein baat kare, exoskeleton over skin is made up of placoid scale। to aap bahut hi simple sa concept bana ke chalenge apna ke cartilaginous fishes mein placoid scale hote hain, aur बोनी फिशेज में जो बाकी के बताए साइक्लोइड और टीनोइड होते हैं, गेनोइड एंड कोस्मोइड का भी कंसेप्ट मैंने बता दिया था आपको, ठीक है। देन एक और स्टेटमेंट विच इज वर्थ मेंशनिंग हियर, जो उनके टीथ होते हैं आर मॉडिफाइड, एक साल एम्स में पूछा गया था यहां से, अब तो एम्स ही डिजोल्व हो गया, पर दिस स्टेटमेंट इज इंपॉर्टेंट, टीथ आर मॉडिफाइड प्लेकोइड स्केल एंड आई गेस इट इज ऑल्सो मेंशन इन एनसीईआरटी, which are directed backwardly, वो पीछे की तरफ होते हैं, राइट, डायरेक्टेड बैकवर्डली, जॉज के अंदर टीथ पीछे की तरफ डायरेक्टेड होते हैं, बैकवर्डली,
विच आर डायरेक्टेड बैकवर्डली। तो ये कंसेप्ट हो गए उनके एंडोस्केलेटन और एक्सोस्केलेटन के। एंडोस्केलेटन कार्टिलेज का बना होता है, नोटोकोर्ड परसिस्टेंट रहती है, एक्सोस्केलेटन में प्लेकोड स्केल होते हैं, जो टीथ है वो डायरेक्टेड होते हैं बैकवर्ड साइड पर। अब बात करते हैं इनके गिल स्लिट्स के बारे में। जो कार्टिलेजनस फिशेज होते हैं बेटा, उनके पास 5 to 7 पेयर ऑफ गिल स्लिट होते हैं। जो गिल स्लिट का नंबर है डेट इज़ अबाउट 5 to 7 पेयर इन कार्टिलेजनस। हमने एग्नेथियंस में भी पढ़ लिया था कि भाई गिल स्लिट्स कितने चले जाते हैं, इट वॉज अबाउट इफ आई एम नॉट रॉन्ग 6 to 15 पेयर बताए थे वहाँ पर। यहाँ पर क्या होगा, इट 7 to 15 पेयर। यहाँ पर क्या होगा, इट वुड बी 5 to 7 पेयर। और जो गिल स्लिट्स हैं वो बाहर डायरेक्टली ओपन होते हैं, तो मतलब बॉडी का जो बाहर वाला पार्ट है वहाँ पर डायरेक्टली ओपन हो जाते हैं गिल स्लिट्स। ये भी बताया गिल स्लिट्स का जो अपर ओपनिंग है उसको हम स्टिग्मेटा स्पाइरिकल कह देते हैं, वो मैं डायग्राम में बता दूंगा। अब इनके जो गिल स्लिट होते हैं उन पर गिल कवर नहीं होता है। जनरली जो कार्टिलेजनस फिशेज के गिल स्लिट होंगे दे वुड बी विदाउट ऑपरक्यूलम। देयर इज ओनली वन एक्सेप्शन इन दैट, एक ऐसी कार्टिलेजनस फिश होगी जिस पे ऑपरक्यूलम होगा, अब वो होगा काइमेरा। सो काइमेरा इज द ओनली कार्टिलेजनस फिशेज विच इज हैविंग ऑपरक्यूलम, वरना किसी के पास ऑपरक्यूलम नहीं होता है। तो अगर मैं गिल्स की बात करूं, इनके गिल स्लिट्स आर 5 to 7 पेयर इन नंबर, 5 to 7 पेयर इन नंबर, दे ओपन्स आउटसाइड डायरेक्टली, दैट इज डू नॉट हैव एनी गिल कवर, और अदर नेम ऑफ गिल कवर इज ऑपरक्यूलम। सो ऑपरक्यूलम इज एबसेंट इन कार्टिलेजनस फिशेज, ये कंसेप्ट रहेगा आपको पहला। फिर एक एक्सेप्शन लिख देते हैं बॉक्स में बना के यहाँ पर, एक्सेप्ट काइमेरा, एक्सेप्ट कुछ लोग शिमायरा भी पढ़ लेते हैं इसको, कुछ काइमेरा। काइमेरा के बारे में बताऊंगा मैं आपको, रैबिट फिश, रेड फिश, घोस फिश, और ये कनेक्टिंग लिंक होता है बोनी फिशेज और कार्टिलेजनस फिशेज का। एक्सेप्ट काइमेरा विच हैव ऑपरक्यूलम प्रेजेंट। तो एक बहुत ही कॉमन सा क्वेश्चन आप बार बार पढ़ोगे कहीं पर कि कौन सा कार्टिलेजनस फिशेज होता है इसके अंदर ऑपरक्यूलम होता है, तो आंसर होगा उसका काइमेरा। अकेला ऐसा कार्टिलेजनस फिशेज है जिस पे ऑपरक्यूलम है, वरना सारे कार्टिलेजनस फिशेज पर ऑपरक्यूलम नहीं होता है। और जो नंबर ऑफ गिल स्लिट होता है वो होता है 5 to 7 पेयर। इज दैट क्लियर बच्चे? तो करेक्टर्स पढ़े, सारे मेराइन होते हैं, एंडोस्केलेटन कार्टिलेज का होता है, नोटोकोड परसिस्टेंट रहती है पूरी लाइफ, एक्सोस्केलेटन प्लेकोड स्केल का बना होता है, प्लेकोड स्केल मॉडिफाई हो जाते हैं टीथ में जो पीछे की तरफ डायरेक्टेड रहते हैं, गिल स्लिट 5 to 7 पेयर होते हैं नंबर में, डायरेक्टली बाहर ओपन होते हैं, गिल कवर वगैरह नहीं होता है इन जनरल। काइमेरा अकेला ऐसा फिश है जिसके पास ऑपरक्यूलम होता है, तो काइमेरा इज ए एक्सेप्शन टू डैट। फिर इनके माउथ के बारे में पढ़ लेते हैं, लेट मी क्लियर अप दिस बोर्ड। फिर इनके माउथ के बारे में पढ़ लेते हैं, आप ये भी याद रखेंगे कि जो कार्टिलेजनस फिशेज होती हैं वो जनरली प्रीडेशियस होती हैं, वो शिकारी होती हैं, उनके जो जॉज होते हैं वो बहुत पावरफुल होते हैं, और उनका जो माउथ है वो वेंट्रली लोकेटेड होता है। माउथ इज वेंट्रली लोकेटेड इन कार्टिलेजनस फिशेज, तो आई विल मैंशन हेयर दे आर हैविंग अ वेंट्रल माउथ, वेंट्रल माउथ एंड देयर जॉज आर पावरफुल, वेंट्रल माउथ विद पावरफुल जॉज, विद पावरफुल जॉज। सो बाय देयर नेचर, बाय देयर एक्शन दे आर प्रीडेशियस इन नेचर। जो कार्टिलेजनस फिशेज होती हैं वो प्रीडेशियस होती हैं। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट स्टेटमेंट। अब उनके माउथ को हमने डिस्कस कर लिया, जो नेक्स्ट डिस्कस करेंगे वो उनके इंटेस्टाइन को डिस्कस कर लेते हैं। उनका जो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट होता है उसमें दो पॉइंट बड़े इंपॉर्टेंट है। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट तो ये होता है कि उनका एनस और यूरिनोजेनिटल जो ओपनिंग है वो कंबाइंड होता है, तो कार्टिलेजनस फिशेज में क्लोका होता है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, जैसे आप अब तक ना टिफ्लोसोल के बारे में पढ़ के आएँ कि भाई जो टिफ्लोसोल होते हैं फोल्ड ऑफ इंटेस्टाइन होते हैं जो एरिया ऑफ एब्जॉर्प्शन को बढ़ा देते हैं, कार्टिलेजनस फिशेज में देयर इज स्पाइरल कॉइलिंग ऑफ द इंटरनल पार्टीशन ऑफ इंटेस्टाइन।
जो इंटेस्टाइन का इंटरनल पार्टीशन होगा, उसके अंदर खूब सारे स्पाइरल कॉइलिंग होते हैं और ये वॉल लाइक स्ट्रक्चर बनाता रहता है। ये वॉल जो है ना पैसेज ऑफ फूड को नहीं इफेक्ट करता है, ये वॉल एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड को इफेक्ट करता है। तो मैं ये मेंशन करूँगा, आ स्पाइरल वॉल, और दूसरा नाम होता है स्पाइरल वॉल्व और स्क्रोल वॉल्व, इसका डेफिनेशन भी लिख देंगे, और स्क्रोल वॉल्व वैल्यू क्यों लिख रहा हूँ मैं बार बार, इज प्रेजेंट इन इंटेस्टाइन, और इंटेस्टाइन के कौन से पार्ट में, जनरली ईलियम वाले पार्ट में। व्हाट इज दैट स्पाइरल वॉल्व और स्क्रोल वॉल्व, दैट इज स्पाइरली कॉइल्ड इंटरनल पोर्शन। तो जो इंटेस्टाइन का इंटरनल पोर्शन होता है वो स्पाइरली कॉइल्ड हो जाता है। एंड व्हाट इज इट इज मेंट फॉर, इट इज मेंट फॉर इंक्रीजिंग सरफेस एरिया ऑफ एब्जॉर्प्शन। तो सरफेस एरिया ऑफ एब्जॉर्प्शन को बढ़ाने के लिए जैसे हमारे पास माइक्रोविलाइज आ जाते हैं, ऐसे ही इन लोगों के पास स्पाइरल वॉल या स्क्रोल वॉल होती है। कहाँ प्रेजेंट होती है, इंटेस्टाइन में, कौन से वाले एरिया में, टू बी एग्जैक्ट ईलियम वाले एरिया में। तो एग्जैक्टली जो भी इंटरनल पोर्शन है वो स्पाइरली कॉइल होना शुरू हो जाता है। और इंटेस्टाइन का जब इंटरनल पोर्शन स्पाइरली कॉइल होगा, व्हाट वुड बी द इफेक्ट, एरिया ऑफ एब्जॉर्प्शन बढ़ जाएगा। ठीक है बेटा, नेक्स्ट जो पढ़ेंगे, दे आर हैविंग अ क्लोका। क्लोका क्या होता है, एनस प्लस ओपनिंग ऑफ यूरिनो जेनाइटल डक्ट। तो मैंने बताया था आपको नॉन कोऑर्डिनेट के केस में क्लोका में डाइजेस्टिव सिस्टम का ओपनिंग होता है, यूरिनरी सिस्टम का ओपनिंग होता है और जेनाइटल सिस्टम का ओपनिंग होता है। सो क्लोका इज प्रेजेंट, एनस और यूरिनोजेनाइटल ओपनिंग अलग अलग नहीं होती है, दे आर कम्बाइंड। तो जब उनका डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में बात करेंगे बच्चों, सबसे पहले याद रख लेना कि उनका जो इंटेस्टाइन होता है उसके अंदर स्क्रोल वॉल्व होती है। स्क्रोल वॉल्व का मतलब होता है कि एरिया ऑफ एब्जॉर्प्शन को बढ़ा दे। देन उनके पास क्लोका होता है। जो कार्टिलेजनस फिशेज है उनका लीवर में भी दो लोब होते हैं, लीवर इज बायलोब। द थर्ड स्टेटमेंट फॉर देयर डाइजेस्टिव सिस्टम इज दैट दे आर हैविंग अ बायलोब्ड लीवर, लीवर इज बायलोब्ड हियर। ठीक है बेटा, तो वेंट्रल माउथ होता है पावरफुल जॉज के साथ, स्पाइरल वॉल होती है जो एब्जॉर्प्शन को बढ़ा देती है, क्लोका होता है और बायलोब लिवर होता है। राइट। नेक्स्ट, अब इनका थोड़ा सेंसरी सिस्टम भी बता देता हूँ मैं, इनके नॉस्ट्रिल्स वगैरह के बारे में और आईज के बारे में और ईयर के बारे में, और फिर मैं शुरू करूँगा इनका सर्कुलेटरी सिस्टम। ठीक है, जो फिशेज होती है मोनोराइनस होती है, डाइराइनस होती है। हमने पिछले अपने जनरल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फिशेज में पढ़ा था कि फिशेज डाइराइनस होती है। तो एक्सटर्नल लेयर होंगे जो वेंट्रल साइड ऑफ हेड पर होते हैं, इंटरनल लेयर नहीं होते हैं कार्टिलेजनस फिशेज में। एक्सटर्नल लेयर आर प्रेजेंट ऑन द वेंट्रल साइड ऑफ हेड। नेक्स्ट पॉइंट, एक्सटर्नल लेयर्स और कैसी कंडीशन होती है, डाइराइनस कंडीशन होती है। वन पेयर वुड बी देयर डाइराइनस। एक्सटर्नल लेयर्स आर प्रेजेंट ऑन वेंट्रल साइड, इंपॉर्टेंट थिंग, दे आर प्रेजेंट ऑन द वेंट्रल साइड ऑफ माउथ। ठीक है बेटा, नेक्स्ट आप याद रखेंगे पेयर्ड अपेंडेजेस क्या क्या होंगे इनके पास। पेयर्ड अपेंडेजेस वुड बी पेक्टोरल फिन एंड पेल्विक फिन। इनके बारे में प्रीवियस लेक्चर में मैंने काफ़ी डिस्कशन कर लिया था, इसलिए यहाँ पर ज़्यादा डिस्कशन नहीं कर रहा हूँ। कि जो पेयर्ड अपेंडेजेस होते हैं वो पेक्टोरल फिन और पेल्विक फिन होते हैं। एक ये भी फ़र्क होता है, इनके जो पेयर्ड अपेंडेजेस हैं वो इन कंपेरिजन टू बोनी फिशेज ब्रॉड होते हैं, दे आर ब्रॉडर इन साइज। इनका जो अनपेयर्ड अपेंडेज में जो टेल होता है, टेल दो तरह बताए थे, कॉडल फिन कुड बी होमोसर्कल कुड बी हेट्रोसर्कल। तो कार्टिलेजनस फिशेज में जो कॉडल फिन होता है, जो टेल होती है,
डेट इज हेटेरो सर्कल। और हेटेरो सर्कल का मतलब क्या था कि जो कॉडल फिन के दो लोब होते हैं उनमें कोई सिमेट्री नहीं होती है। लेट से ये एपिकॉडल लोब हो गया, दिस इज एपिकॉडल लोब, दिस इज हाइपोकॉडल लोब। तो जब एपिकॉडल लोब और हाइपोकॉडल लोब जो है वो एसिमेट्रिकल होते हैं, ऐसी टेल को बोलते हैं हेट्रोसर्कल टेल। तो एक ये भी जनरल कैरेक्टरिस्टिक फीचर है कि बोनी फिशेज में टेल जो है वो होमोसर्कल होती है और जो कार्टिलेजियस फिशेज उनकी जो टेल होती है वो हेट्रोसर्कल होती है। अब बच्चों बता देता हूँ इनका सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में। सर्कुलेटरी सिस्टम वैसे फिशेज का हमने पढ़ लिया था पाइशीज में, और बोनी फिश और कार्टिलेजियस फिशेज के सर्कुलेटरी सिस्टम में ज़्यादा फर्क नहीं होता है। तो जो पाइशीज में मेंशन किया था मैं फिर से वही मेंशन करने जा रहा हूँ कि इनका जो हार्ट होता है वो वेल डेवलप्ड होता है, टू चैम्बर्ड हार्ट, टू चैम्बर्ड वेल डेवलप्ड हार्ट विद एडिशनल चैम्बर। और एडिशनल चैम्बर कौन सा ज़्यादा डेवलप होता है इनमें? साइनस वेनोसस, साइनस वेनोसस वेनोसस इज वेल डेवलप्ड। देखो ट्रंकस आर्टियोसस और कॉनस आर्टियोसस जो होता है वो इतना ज़्यादा डेवलप नहीं होता, जबकि वो भी प्रेजेंट होता है। इज वेल डेवलप्ड ट्रंकस आर्टियोसस और कॉनस आर्टियोसस इज ऑल्सो प्रेजेंट बट इट इज़ नॉट डैट मच वेल डेवलप्ड। लीवर हेपेटिक पोर्टल सिस्टम के साथ साथ जो रेनल पोर्टल सिस्टम होता है फिशेज में वो ज़्यादा डेवलप्ड होता है। दे आर हैविंग वेल डेवलप्ड रेनल पोर्टल सिस्टम। हाँ हेपेटिक पोर्टल सिस्टम तो सारे ही वर्टिब्रेट में है। रेनल पोर्टल सिस्टम, हेपेटिक पोर्टल सिस्टम इज आल्सो प्रेजेंट है, वो सारे ही वर्टिब्रेट में, तो हम उसको मेंशन नहीं कर रहे हैं। रेनल पोर्टल सिस्टम वेल डेवलप्ड अपने पास नहीं होता इसलिए हम मेंशन कर देते हैं, अपने पास नहीं होता इसलिए मेंशन कर देते हैं। आरबीसीज न्यूक्लिएटेड होंगी, आरबीसीज ओवल शेप्ड होंगी, अंदर हीमोग्लोबिन होगा, ये देयर इज नो फन इन टेलिंग दिस थिंग। ठीक है बच्चों, एक्सक्रीटरी सिस्टम की बात करें तो फिशेज के पास मेसोनेफ्री किडनी होती है और कार्टिलेजियस फिशेज यूरिया बनाते हैं, यूरियोटैलिक होती है। तो मेसोनेफ्री किडनी फॉर एक्सक्रीशन एंड दे आर यूरियोटैलिक। इसके बारे में भी जनरल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फिशेज में हमने डिस्कशन कर चुके हैं हम लोग। ठीक है, अगर नर्वस सिस्टम की बात करें तो जो फिशेज होती हैं उनका ब्रेन वेल डेवलप्ड होता है। कार्टिलेजियस फिशेज में ऑल्फैक्ट्री लोब ज़्यादा बड़े बड़े होते हैं, ऑल्फैक्ट्री लोब बड़े होने की वजह से उनकी पावर ऑफ स्मेल बढ़ जाती है, हम डॉग फिश के बारे में भी जिक्र करेंगे। और उनका जो सेरिबेलम होता है वो भी काफ़ी बड़ा होता है, तो दे आर हैविंग अ लार्ज सेरिबेलम विद अ लार्ज ऑल्फैक्ट्री लोब। Brain is, their brain is with large olfactory lobe. ये जो large olfactory lobe है ये कहाँ में help करता है? Smelling में, and large cerebellum. अभी मैं बताऊँगा, इनको हमेशा swim करना पड़ता है in order to avoid sinking. इनके पास air bladder नहीं होता है, तो cerebellum is to maintain the posture. क्रैनियल नर्व कितने बताए थे? जितने भी फिशेज होते हैं उनके पास 10 पेयर ऑफ क्रैनियल नर्व्स होते हैं, नंबर ऑफ क्रैनियल नर्व्स इज 10 पेयर्स। दीज एनिमल्स इन दीज फिशेज देर इज अ वेरी स्पेशल स्ट्रक्चर विच इज प्रेजेंट ऑन द डोर्सल साइड ऑफ हेड, एंड दोज स्पेशल स्ट्रक्चर आर रेफर्ड एज टू एम्पुला ऑफ लोरेंजेनी, एंड एम्पुला ऑफ लोरेंजेनी डिटेक्ट द टेम्परेचर फ्लक्चुएशन इन द सराउंडिंग। तो एक स्टेटमेंट और लिख लो साइंसी सिस्टम में, नर्वस सिस्टम जब पढ़ रहे हैं, A special structure is developed on dorsal side of head, और उस structure को बोलते हैं ampulla of Lorenzini। और जो एम्पुला ऑफ लोरेंजिनी होता है इट हेल्प टू डिटेक्ट टेम्परेचर फ्लक्चुएशंस। तो एक साल सवाल पूछा गया था कि जो एम्पुला ऑफ लोरेंजिनी होता है उसमें कैसे रिसेप्टर होते हैं, दैट इज इट कंसिस्ट थर्मो रिसेप्टर्स।
ठीक है बेटा, तो जो ब्रेन होता है वो लार्ज ऑल्फैक्टरी लोब और सेरिबैलम वाला है, 10 पेयर ऑफ कैरिनल नर्व होते हैं, वो एम्पुला ऑफ लोरेंजिनी होता है फॉर टेम्परेचर रेगुलेशन। लेटरल लाइन ऑफ सेंसरी सिस्टम इज वेरी वेल डेवलप्ड इन फिशेज, देयर इज नो फन इन टेलिंग, दे हैव अ वेल डेवलप्ड लेटरल लाइन, अ वेल डेवलप्ड लेटरल लाइन ऑफ सेंसरी सिस्टम। तो जो लेटरल लाइन सेंसरी सिस्टम होता है डेट इज वेल डेवलप्ड इन फिशेज। ठीक है बेटा, कितनी सेमी सर्कुलर कैनाल पढ़ा रखी है? 3 सेमी सर्कुलर कैनाल पढ़ा रखी है। काय में हेल्प करता है? बैलेंसिंग में हेल्प करता है स्ट्रेटोसेप्टर। अब पढ़ते हैं उनके लंग ब्लेडर या स्विम ब्लेडर के बारे में। जो फिशेज का सिलोम होता है, उस सिलोम के अंदर जहाँ विसल ऑर्गन्स हैं वहाँ पर एक सैकलाइक स्ट्रक्चर होता है जिसके अंदर गैस फिल होती है, एयर फिल होती है, उसको बोलते हैं एयर ब्लेडर और लंग ब्लेडर और स्विम ब्लेडर एक्चुअली। और वो जो स्विम ब्लेडर या एयर ब्लेडर है वो मेंटेन करता है, हेल्प करता है इन ऑर्डर टू मेंटेन बायोएंसी। जो स्विम ब्लेडर या एयर ब्लेडर है वो हेल्प करता है टू मेंटेन बायोएंसी। इनके पास स्विम ब्लेडर नहीं होता है, स्विम ब्लेडर और लंग ब्लेडर और एयर ब्लेडर इट इज़ एब्सेंट इन कार्टिलेजनस फिशेज, समथिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इस पे क्वेश्चन वगैरह खूब सारे पूछे जाते हैं। अ स्विम ब्लेडर, ब्लेडर माने पाउच, और लंग ब्लेडर और अदर नेम ऑफ दिस इज अ स्विम ब्लेडर, एयर ब्लेडर इज एब्सेंट इन कार्टिलेजनस फिशेज। इसका मतलब ये हुआ दे हैव टू स्विम ऑल द टाइम टू प्रिवेंट सिंकिंग, वो डूब ना जाए इसलिए उनको स्विम करना होगा। क्या जिंदगी भर स्विम करते रहती है? नहीं, रेस्ट के लिए उनके पास शैलो एरियाज होंगे जहाँ स्विम वगैरह की जरूरत नहीं पड़ती होगी। दे हैव टू स्विम ऑल द टाइम टू प्रिवेंट सिंकिंग। तो व्हाट इज द होल सोल फंक्शन ऑफ एयर ब्लेडर? एयर ब्लेडर प्रोवाइड बायोएंसी, एयर ब्लेडर प्रोवाइड बायोएंसी। सो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ एयर ब्लेडर? इट्स ए एयर फिल्ड ऑर्गन, एयर फिल्ड सैक प्रेजेंट नियर टू विसरा विच प्रोवाइड बायोएंसी। एयर फिल्ड ऑर्गन और एयर फिल्ड सैक प्रेजेंट नियर टू विसरल ऑर्गन विच प्रोवाइड बायोएंसी। सो व्हाट इज डेफिनेशन ऑफ स्विम ब्लेडर? लेट मी मेंशन हियर, डेफिनेशन ऑफ एयर ब्लेडर इज एयर फिल्ड ऑर्गन प्रेजेंट नियर विसेरा, विसेरा इज इंटरनल ऑर्गन, टू प्रोवाइड बायोएंसी और टू प्रिवेंट सिंकिंग, बायोएंसी राइट और टू प्रिवेंट सिंकिंग। ये हो गया बच्चे कंसेप्ट ऑफ स्विम ब्लेडर और एयर ब्लेडर। इंटरनल ईयर के बारे में बात करने की जरूरत नहीं है, क्या मेंशन कर दूँ? निक्टेटिंग मेम्ब्रेन कैसी होती है? वेल डेवलप्ड होती है। इंटरनल ईयर कहाँ के लिए होता है? बैलेंसिंग के लिए। वेल डेवलप्ड निक्टेटिंग मेम्ब्रेन, निक्टेटिंग मेम्ब्रेन इज द अदर नेम ऑफ थर्ड आईलिड, निक्टेटिंग मेम्ब्रेन, अ वेल डेवलप्ड निक्टेटिंग मेम्ब्रेन And internal ear for balancing. ठीक है, next अब पढ़ लेते हैं स्पेशल स्ट्रक्चर्स के बारे में। जो कार्टिलेजनस फिशेज होती है उनके पास बेटा इलेक्ट्रिक ऑर्गन भी होता है, कुछ फिश के पास जैसे हम टॉर्पेडो पढ़ेंगे वो स्टिंग भी होता है जैसे हम ट्राइगोन पढ़ेंगे। तो दे माइट बी हैविंग इलेक्ट्रिक ऑर्गन और पॉइजनस स्टिंग टू हार्म द प्रे। इलेक्ट्रिक ऑर्गन एंड पॉइजनस स्टिंग, इलेक्ट्रिक ऑर्गन होगा ट्राइगोन में और सॉरी टॉर्पीडो के अंदर, टॉर्पीडो, और पॉइजन स्टिंग होगा
ट्राइगोन में। अभी ना मैं इन दोनों की थोड़ी डिटेल बताऊंगा फिशेज की, तो मैं वहाँ पे कवर कर लूँगा कि इलेक्ट्रिक ऑर्गन इज़ मॉडिफाइड मसल, पॉइजनस स्ट्रिंग इज़ द मॉडिफाइड डॉर्सल फिन। तो इलेक्ट्रिक ऑर्गन एंड पॉइजनस स्ट्रिंग आर प्रजेंट इन फ्यू, और मैं आगे मेंशन कर दूंगा कौन सा मॉडिफाइड मसल होता है, कौन सा मॉडिफाइड डोर्सल फिन होता है, ठीक है। देन अगर रिप्रोडक्शन की बात करें बच्चों, तो देखो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं, सेक्सेस सेपरेट होते हैं। मेल कार्टिलेजनस फिश के अंदर पेल्विक फिन के साथ एसोसिएट होते हैं कॉपुलेटरी ऑर्गन, और जो कॉपुलेटरी ऑर्गन है उसको बोलते हैं क्लैस्पर। सो इन मेल्स पेल्विक फिन में बियर 1 or 2 क्लैस्पर विच आर मेंट फॉर कॉपुलेशन। इन मेल लेट अस टॉक अबाउट द रिप्रोडक्टिव सिस्टम। इन मेल पेल्विक फिन मे बियर, पेल्विक फिन के साथ एसोसिएटेड होते हैं, पेल्विक फिन मॉडिफाई नहीं होता याद रखेंगे, 1 or 2 क्लैस्पर, एंड दीज क्लैस्पर्स आर मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, दे आर मेंट फॉर कॉपुलेशन, दीज क्लैस्पर्स आर मेंट फॉर कॉपुलेशन। तो कार्टिलेजनस फिशेज के मेल के पास क्लैस्पर होते हैं, बोनी फिशेज में नहीं होते हैं। तो क्लैस्पर की हेल्प से जो स्पर्म है वो इनसाइड द बॉडी इंजेक्ट किया जा सकता है। तो फर्टिलाइजेशन इंटरनल होना चाहिए, एक्सटर्नल होना चाहिए, सिंपली आंसर इज इंटरनल। और जिन डक्ट से फीमेल फिश के अंदर, फीमेल कार्टिलेजनस फिश के अंदर जो ओविडक्ट होती है उनको बोलते हैं मुलेरियन डक्ट। ओविडक्ट ऑफ कार्टिलेजिनस फिशेज, ओविडक्ट ऑफ कार्टिलेजिनस फिशेज आर रेफर्ड एज टू मुलेरियन डक्ट, ठीक है बेटा। सो फर्टिलाइजेशन कैसा होना चाहिए इनके अंदर, एज बाय यूजिंग क्लैस्पर। देखो क्लैस्पर जो पेल्विक फिन के पास है वही एसोसिएटेड होते हैं कॉपुलेशन में। आप काइमेरा में पढ़ोगे क्लैस्पर उसके ना हेड पर भी होता है, सेफेलिक क्लैस्पर, तो उसका फंक्शन हमें नहीं पता, नॉन फंक्शन है। तो क्लैस्पर जो पेल्विक फिन के पास होते हैं वो कॉपुलेटरी स्ट्रक्चर कुड बी हैविंग 1 or 2, एंड जो ओविडक्ट होती है वो होती है मुलेरियन डक्ट। इनके अंदर जो फर्टिलाइजेशन होगा, डैट वुड बी इंटरनल। बोनी फिशेज वुड बी हैविंग एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, बट कार्टिलेजनस फिशेज आर हैविंग इंटरनल फर्टिलाइजेशन। एंड व्हाट इज द रीजन ऑफ इंटरनल फर्टिलाइजेशन, बिकॉज दे आर हैविंग, मेल आर हैविंग क्लैस्पर। वो ओवी पैरस भी हो सकते हैं और वो वीवी पैरस भी हो सकती है, दे कुड बी ओवी पैरस और ओवी पैरस पैरस और ओवो वीवी पैरस। ओवो वीवी पैरस का मतलब ये होता है बेटा कि हैचिंग ऑफ एग इनसाइड द बॉडी हो गया और न्यू वन बॉर्न हो रहा है। तो ओवो वीवी पैरस को कुछ ऑथर वीवी पैरस भी लिख देते हैं, ओवो वीवी पैरस को कुछ ऑथर वीवी पैरस भी लिख देते हैं। इसमें क्लासिकल एग्जांपल लिखोगे स्कॉलियोडॉन का, स्कॉलियोडॉन एंड एज वेल एज प्रिस्टिस, दीज आर टू क्लासिकल एग्जांपल ऑफ वी पैरस या ओवो वी पैरस फिश। डेवलपमेंट कैसा होना चाहिए, डेवलपमेंट इज डायरेक्ट, देयर इज नो फन इन टेलिंग, दे आर हैविंग डायरेक्ट डेवलपमेंट। अब मैं कुछ एग्जांपल बता देता हूँ, ये हो गए जनरल कैरेक्टरिस्टिक फीचर। तो फटाफट एक क्विक रिविजन जनरल कैरेक्टरिस्टिक फीचर का, फिर एग्जाम्पल को डिस्कशन शुरू करते हैं बच्चे, ठीक है। तो कार्टिलेजनस फिश क्या होती है बच्चों, ध्यान से सुनो, कार्टिलेजनस फिश सिर्फ मैराइन होती है। इनके पास नोटोकोड परसिस्टेंट रहती है ऑल ओवर द लाइफ। इनका जो एंडोस्केलेटन है वो कार्टिलेज का बना होता है, एक्सोस्केलेटन में प्लेकोड स्केल होते हैं, जो मॉडिफाई भी हो जाते हैं टीथ में वो डायरेक्टेड बैकवर्ड है। उनके पास ओपरक्यूलम नहीं होता है, हेटरोसर्कल कॉडल फिन होता है उनका, माउथ वेंट्रल होता है, सर्कुलेटरी सिस्टम 2 chambered हार्ट, मीजोनेफ्रिक किडनी, इंटरनल फर्टिलाइजेशन, डायरेक्ट डेवलपमेंट, फ्यू आर वी पैस एज वेल, क्लोका होता है, इंटेस्टाइन में एक स्पायरल वॉल होती है और ए ब्लेडर नहीं होता है। तो ये कुछ जनरल कैरेक्टरिस्टिक फीचर होगा कार्टिलेजनस फिशेज के। अब वन बाय वन मैं एग्जाम्पल की लिस्ट बना देता हूँ और फिर 5 or 6 एग्जाम्पल के बारे में दो दो बातें बता दूंगा, ठीक है। तो लेट मी मेक अ लिस्ट ऑफ एग्जाम्पल्स फ्रॉम द कार्टिलेजनस फिशेज, लिस्ट ऑफ एग्जाम्पल्स फ्रॉम द कार्टिलेजनस फिशेज।
कुछ एग्जांपल के बारे में डिटेल हम पढ़ लेंगे। देखो मैं तो कोशिश करूँगा सबके डायग्राम बना दूँ, पूरे फेयर डायग्राम ना बनाऊँ तो रफ डायग्राम बना के आपको फेयर डायग्राम के जो स्नैप्स हैं वो मैं व्हाट्सएप पे भेज दूँगा इन द ग्रुप, और देखेंगे कैसा डायग्राम बनेगा। एक्चुअली डायग्रामिंग इज़ वेरी टाइम कंज्यूमिंग। एग्जाम्पल्स ऑफ इलास्मो ब्रैंक फिशेज, इलास्मो ब्रैंकाई और कार्टिलेजनस फिशेज। ओके, जो सबसे पहले एग्जाम्पल पढ़ोगे बच्चे वो पढ़ोगे स्कॉलोडॉन और डॉग फिश के बारे में। जो फर्स्ट एग्जाम्पल आप पढ़ोगे डेट वुड बी स्कॉलिडॉन और डॉग फिश। इसको मैं आगे चल के ना डिटेल में पढ़ाऊंगा आपको कि इसको कॉमनली कहते हैं इंडियन शार्क, इट इज कॉमन इंडियन शार्क। तो इसका मैं डायग्राम भी बना के दिखा दूंगा एम्पुला ऑफ लोरेंजिनी के बारे में, और ये देखने में कैसा है, इसका हेट्रोसर्कल फिन माउथ एंड ऑल द थिंग, ठीक है। ये वही मेंशन कर दूंगा कि भाई ये वी पेयर्स होती है और इसकी डॉग लाइक स्मेल होती है क्योंकि एम्पुला ऑफ लोरेंजिनी वेल डेवलप्ड होते हैं। सेकेंड जो एग्जाम्पल आप पढ़ोगे वो पढ़ोगे टॉर्पीडो। ये एक शार्क है और ये एक रे है। शार्क और रे में जो फर्क होता है वो भी बताऊंगा कि किसका बॉडी डोर्सो वेंट्रली फ्लैटन होता है, किसका बॉडी लेटरली कंप्रेस्ड होता है। तो टॉर्पीडो इज इलेक्ट्रिक रे, ट्राइगोन, इसमें मसल्स इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे, ट्राइगोन इज स्टिंग रे। फोर्थ एग्जाम्पल में आपके पास आ जाता है बेटा कार शैडोडॉन। जिसको व्हाइट शार्क कहते हैं, व्हाइट शार्क, द ग्रेट व्हाइट शार्क। फिफ्थ एग्जाम्पल आप पढ़ोगे रिंकोडॉन। तो जो रिंकोडॉन होते हैं उसको बोलते हैं व्हेल शार्क, और जो कार शैडोडॉन होता है उसको बोलते हैं व्हाइट शार्क। तो जो रिंकोडॉन है, रिंकोडॉन, दैट इज द ट्रूली लार्जेस्ट फिश। जब ट्रूली लार्जेस्ट फिश के बारे में बात करेंगे डेट वुड बी रिंकोडॉन। इसका कॉमन नेम होता है व्हेल शार्क, इट्स कॉमन नेम इज व्हेल शार्क। इसकी जब लेंथ की बात करते हैं तो वो मीटर्स में चली जाती है। इसकी जो लेंथ होती है वो तकरीबन, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, डेट वुड बी समथिंग अबाउट 13 to 14 meters, and that is truly largest fish. Whale is not the largest fish. So which is whale? Shark. Whale shark is Rinkodon. The true largest fish is Rinkodon. कुछ लोग इसको भी claim कर रहे थे, पर Rinkodon ज़्यादा long होता है white shark से, इसलिए उसको whale shark नाम दे दिया। पांच example हो गए। एक होता है guitar fish, जब भी आप उसको देखोगे तो गिटार बजेगी दिल में, नहीं ऐसा नहीं होता है। जो रिंको बैटस होता है उसको कॉमनली बोलते हैं गिटार फिश, वो भी कार्टिलेजनस फिशेज हैं। राइनो बैटस, नॉट रिंको बैटस, राइनो बैटस, इट इज़ कॉमनली नोन एज गिटार फिश। फिर एक फिश होती है जिसका जो हेड होता है वो हैमर के शेप के जैसा होता है, दो अलग अलग लेटरल लोब निकल जाते हैं हेड में, वो हैमर शेप हो जाता है, उसको बोलते हैं बेटा जाइग्निया, उसको बोलते हैं जाइग्निया। तो जाइग्निया इज हैमर हेडेड। और अगर आपने सौ देखा हो, जो आरा कहते हैं, क्या कहते हैं उसको, उस एक फिश होती है इसका जो माउथ है उसमें रोस्ट्रम डेवलप हो जाता है, और वहाँ पे खूब सारे टीथ आएंगे, मैं अभी बनाऊंगा उसके बारे में डायग्राम बताऊंगा उसका, उसको बोलते हैं बेटा प्रिस्टिस। प्रिस्टिस इज नोन एज शॉफिस, प्रिस्टिस इज नोन एज शॉफिस। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जो लास्ट एग्जाम्पल पढ़ेंगे जिसमें सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे, डेट वुड बी काय मायरा। और काय मायरा को अलग अलग नाम तो दे ही देंगे, इट इज़ द कनेक्टिंग लिंक बिटवीन कार्टिलेजनस एंड बोनी फिशेज। कार्टिलेजिनस, कनेक्टिंग लिंक बिटवीन कार्टिलेजिनस एंड बोनी फिशेज, ये होगी बेटा काय मायरा।
तो टोटल 9 एग्जाम्पल हमने पढ़ लिए हैं। अब थोड़ा डिटेल में कौन कौन से को पढ़ेंगे हम, काइमेरा को पढ़ लेंगे, थोड़ा सा पिस्टिस को पढ़ लेंगे, जाइग्निया को पढ़ लेंगे, ट्राइगोन, टोरपिडो, स्कोलिडोन। तो ये 6 के ना मैं थोड़ा सा और डिटेल करेक्टर्स बता देता हूँ, 6 के और डिटेल करेक्टर्स पर बता देता हूँ। सबसे पहले कनेक्टिंग लिंक से शुरू करेंगे, फिर पढ़ेंगे स्कोलिडोन को, फिर पढ़ लेंगे जाइग्निया एंड पिस्टिस, एंड बाद में टोरपिडो एंड ट्राइगोन। और इफ़ यू आर कंफर्टेबल तो मैं तो एक वो भी बना दूंगा टेबल जिसमें शार्क और रे के बीच में कुछ करेक्टरिस्टिक फीचर, करेक्टरिस्टिक डिफरेंसेस हम पढ़ेंगे, शाह और रे के बीच में कुछ करेक्टरिस्टिक डिफरेंसेस हम पढ़ेंगे। ठीक है बच्चे, सो लेट अस स्टार्ट विद काइमेरा नाउ। लेट अस स्टार्ट विद काइमेरा नाउ। जो काइमेरा होता है बेटा, उसको ना बहुत सारे कॉमन नेम दिए जाते हैं। रेड फिश उसको कहते हैं, रैबिट फिश उसको कहते हैं, घोस्ट फिश उसको कहते हैं, किंग ऑफ हियरिंग्स क्योंकि जिगजैग पैटर्न होता है उसको कहते हैं। तो पहले तो काइमेरा की मैं आपको बता देता हूँ कॉमन नेम, और फिर उसको कनेक्टिंग लिंक पढ़ाए तो कौन से कार्टिलेजनस फिशेज वाले करेक्टर से कौन से बोनी फिशेज वाले करेक्टर हैं वो बता देता हूँ। तो फर्स्ट एग्जाम्पल इज काइमेरा। द कॉमन नेम ऑफ काइमेरा इज रैट, रैबिट और घोस्ट फिश। रेड फिश, रैबिट फिश, घोस्ट फिश अपीयरेंस की वजह से, एंड इट इज़ ड्यू टू जिगजैग पैटर्न, इट इज़ आल्सो नोन एज किंग ऑफ हियरिंग्स। ड्यू टू इट्स जिगजैग पैटर्न इट इज़ आल्सो नोन एज किंग ऑफ हियरिंग्स। तो आपको बताया था कि इसके ये कनेक्टिंग लिंक होता है, और इसके अंदर कार्टिलेजनस फिश वाले भी करेक्टर होते हैं और बोनी फिश वाले करेक्टर भी होते हैं। तो सर अक्सर तो आप कनेक्टिंग लिंक को अगले वाले फाइलम में करते थे, यहाँ हम फाइलम नहीं पढ़ रहे हैं, पहली बात तो ये। और अभी मैं बता दूंगा आपको कि यार कार्टिलेजनस फिश का मतलब होता है कि उसका जो स्केल हो प्लेकोइड होना चाहिए। कार्टिलेजनस फिश का मतलब, चलो और बेसिक पे चलते हैं। स्केलेटन कार्टिलेज का हो तो होगा तो कार्टिलेजनस फिश में ही क्लासिफाई करना है। इसके पास जो स्केलेटन होता है वो कार्टिलेज का होता है, इसका जो स्केलेटन होता है डैट इज़ कार्टिलेजनस। सो अब तो सारे जितने भी मिसकंसेप्शन थे सब ख़त्म हो गए बोनी फिश में क्लासीफाई करने वाले, वो तो कार्टिलेजनस फिश में ही जाना चाहिए सर। ठीक है, पेल्विक क्लेस्पर होते हैं जो कार्टिलेजनस फिश का करेक्टरिस्टिक फीचर है। कॉपुलेटरी क्लेस्पर होते हैं, और स्केल्स कैसे बताएं, प्लेकोइड स्केल। तो प्लेकोइड स्केल्स होते हैं इनके पास, एंड पेल्विक क्लेस्पर्स होते हैं। तो ये तो होगा कार्टिलेजनस फिश वाले करेक्टर्स। बेटा सर बोनी फिशेज वाला क्या करेक्टर है? बोनी फिश ऑपरक्यूलम जो करेक्टरिस्टिक फीचर होता है वो बोनी फिश का होता है, तो इसके पास ऑपरक्यूलम प्रेजेंट होता है। दे आर हैविंग ऑपरक्यूलम। एक और करेक्टर याद रख लेंगे, देखो कार्टिलेजनस फिश में ना क्लोका होता है, इसके पास क्लोका नहीं होता है, नो क्लोका। तो अलग अलग एनस, सेपरेट एनस एंड यूरिनो जेनाइटल एपरेचर, सेपरेट एनस एंड यूरिनो जेनाइटल एपरेचर, ये किसके फीचर होते हैं? ये तो बोनी फिशेज वाले फीचर हैं। तो जो काइमेरा होती है वो कनेक्टिंग लिंक है बिटवीन कार्टिलेजनस फिशेज एंड बोनी फिशेज। कार्टिलेजनस फिश वाले कौन से करेक्टर है ये बता दिया, और बोनी फिश वाले कौन से करेक्टर है ये बता दिया। क्लेस्पर में एक चीज़ और मैं मेंशन करूँगा, जो मैं आपको पहले भी बता रहा था कि इसके पास ना एक सिफेलिक क्लेस्पर होता है जिसको फ्रंटल क्लेस्पर भी कहते हैं। इसके हेड पर होता है वो, ऑन द डोसल साइड उसका फंक्शन अननोन होता है। तो मैं ये मेंशन कर देता हूँ, फ्रंटल और सिफेलिक क्लेस्पर इज प्रेजेंट ऑन डोसल साइड ऑफ हेड, और इसके जो फंक्शन होते हैं डैट इज अननोन, इट इज हैविंग अननोन फंक्शन। ठीक है बेटा, ये हो गया पहला एग्जाम्पल काइमेरा के बारे में। सेकेंड एग्जाम्पल हम पढ़ेंगे अबाउट स्कोलिडोन। सेकेंड एग्जाम्पल जो पढ़ेंगे डैट वुड बी अबाउट स्कोलिडोन। सो नेक्स्ट एग्जाम्पल इज स्कोलिडोन। स्कोलिडोन और डॉगफिश। ठीक है बेटा,
इस कॉलिडॉन की अगर बात करनी शुरू करें, मैं इसका डायग्राम बना के दिखा देता हूँ आपको, और ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड सी चीज़ नहीं है। लेट्स से इट वुड बी समथिंग लाइक दिस, द फिश वुड बी समथिंग लाइक दिस। इसका ये जो ये पार्ट है, ये पोस्टीरियर पार्ट है, इधर होगा कॉडल फिन, और जो ये पार्ट है ये है वेंट एंटीरियर पार्ट, इधर होगा माउथ। जो माउथ होता है डेट इज़ टू बी वेरी एग्जैक्ट इज वेंट्रल इन पोजिशन। सो माउथ इन इट्स केस इज नॉट टर्मिनल, इट इज़ वेंट्रल इन पोजिशन। ये हेड का अपर पार्ट है, तो फर्स्ट लेट मी जस्ट डार्कन इट लाइक दिस। अच्छा बच्चों, मुझे कुछ बताए थे कि लेक्चर से नोट्स बनाने में थोड़ी दिक्कत हो रही है, वीडियो पॉज करना पड़ता है। तो एक अच्छा सा प्रैक्टिस ये होता है कि जब मैं लिख रहा हूँ तो आप भी साथ साथ लिखते जाएं। क्लास में भी तो ऐसा ही होगा, जब मैं लिखूँगा तो आपको भी साथ साथ लिखना पड़ेगा। नाउ अब मैं शुरुआत करता हूँ इस साइड से। इसका जो फिन होगा, जो कॉडल फिन होगा, वो हेट्रोसर्कल होगा। द कॉडल फिन वुड बी समथिंग लाइक दिस। इसके ये जो फिन रेज हो गए, इसके ये जो दो लोब्स होंगे, एपिकॉडल लोब एंड हाइपोकॉडल लोब, दे वुड बी सिमेट्रिकल, दे वुड बी एसिमेट्रिकल, दे वुड बी एसिमेट्रिकल। तो दिस इज विच फिन, कॉडल फिन। देन वापिस चलते हैं। ऑन द टॉप पार्ट ऑफ हेड दे वुड बी स्मॉल पोल्स एंड दे आर नोन एज एम्पुलरी पोल, दे आर नोन एज एम्पुलरी पोल्स। और जो एम्पुलरी पोल्स है, एम्पुला ऑफ लोरेंजिनी के जो पोल्स है, अंदर क्या होगा, एम्पुला ऑफ लोरेंजिनी, ये एम्पुलरी पोल्स है। जो एम्पुलरी पोल्स है दे आर मेंट फॉर थर्मो रिसेप्शन, एम्पुलरी पोल्स आर मेंट फॉर थर्मो रिसेप्शन। ये वेंट्रल साइड है, तो यहाँ पर ये हो गया नॉस्ट्रिल। हाउ मेनी नॉस्ट्रिल वुड बी देयर, पेयर नॉस्ट्रिल, दो नॉस्ट्रिल होंगे। लेट्स से दिस इज नॉस्ट्रिल हेयर, दिस इज वेंट्रल माउथ हेयर। नो फन इन टेलिंग द एनिमल वुड बी हैविंग अ लेटर लाइन ऑफ सेंसरी सिस्टम, नो फन इन टेलिंग द एनिमल वुड बी हैविंग अ लेटर लाइन ऑफ सेंसरी सिस्टम। फिर यहाँ पर हो गया इसका आई। फिन वगैरह भी दिखा दूँ, जो आपकी स्कॉलिडॉन होती है उसके अंदर पेक्टोरल फिन, लेट से फिन का कलर रखते हैं हम लोग ब्राउन। पेक्टोरल फिन एंड पेल्विक फिन होंगे, पेक्टोरल फिन एंड पेल्विक फिन होंगे। पेयर ऑफ पेक्टोरल फिन एक उधर, ऐसे ही पेयर ऑफ पेल्विक फिन। पेल्विक फिन के साथ क्लेस्पर होगा, पेल्विक फिन के साथ क्या होगा, क्लेस्पर। और क्लेस्पर कहे के लिए होता है, लेट से दिस हेयर इज क्लेस्पर, एंड क्लेस्पर इज मेंट फॉर व्हाट, इट इज मेंट फॉर ट्रांसफरिंग स्पर्म। ठीक है बेटा, फिर इसके पास होंगे दो डोर्सल फिन, इट वुड बी हैविंग टू डोर्सल फिन। लेट से दिस इज डोर्सल फिन नंबर वन एंड दिस हेयर इज डोर्सल फिन नंबर टू, अनपेयर्ड फिन की अगर बात करें। ठीक है, तो पेल्विक फिन इज देयर, पेक्टोरल फिन इज, वन पेयर ऑफ पेल्विक फिन, वन पेयर ऑफ पेक्टोरल फिन, पेयर्ड पेक्टोरल, ऑब्वियसली वन वुड बी ऑन द अदर साइड एज वेल, मैं यहाँ बना सकता हूँ पेयर्ड पेल्विक, डेट्स वेंट्रल फिन और एनल फिन, वेंट्रल, फर्स्ट डोर्सल, सेकेंड डोर्सल एंड कॉडल। और इसके ऊपर जो स्केल्स होंगे वो कैसे होंगे, द बॉडी वुड बी हैविंग स्केल्स, एंड वाट काइंड ऑफ स्केल्स वुड बी देयर, दे वुड बी प्लेकोइड स्केल्स वुड बी देयर, राइट। द होल बॉडी इज हैविंग प्लेकोइड स्केल समथिंग लाइक दिस। मैंने कल कुछ स्केललेस फिशेज भी बताई थी ना शायद आपको, कैट फिश, वैलीगोनिया, दीज ऑल वर द स्केललेस फिशेज। खैर फॉर द टाइम बीइंग कुछ ऐसे याद रखें। तो स्कॉलिडॉन के पास एम्पुलरी पोर होते हैं, थिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर, वेंट्रल माउथ होता है एंड कॉडल फिन होते हैं। अब इसकी कुछ फीचर्स बता देता हूँ, इसके कुछ फीचर्स बता देता हूँ। जो हमारे पास बे ऑफ बंगाल में कॉमन स्कॉलिडॉन का जो स्पीशीज होता है, डेट इज स्कॉलिडॉन ड्यूमेरिली, स्कॉलिडॉन ड्यूमेरिली, स्कॉलिडॉन ड्यूमेरिली इज कॉमन टू
बे ऑफ बंगाल। अब ये तो हो गई चीज़ नोट करने वाली। अब जो अच्छी चीज़ें आप इसके बारे में सुनने वाले हो वो याद रखना, इसके पास एम्पुला ऑफ लोरेंजिनी होते हैं। एम्पुला ऑफ लोरेंजिनी का क्या काम होता है बच्चों? वो टेम्परेचर फ्लक्चुएशन ऑफ द सराउंडिंग को डिटेक्ट करते हैं, तो वो एक तरह से थर्मोरिसेप्टर्स है। ठीक है बेटा, फिर आप याद रखेंगे इसका जो लीवर होता है उससे ना ऑयल भी निकलता है, और उस ऑयल के अंदर खूब सा वाइटामिन ए, वाइटामिन डी एंड ओमेगा फैटी एसिड होता है। ऑयल इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम इट्स लीवर एंड दैट इज हैविंग वाइटामिन ए, वाइटामिन डी एंड ओमेगा थ्री फैटी एसिड, इसेंशियल फैटी एसिड। तो आगे आगे जब आप चल के पढ़ोगे इसके न्यूट्रिशन में क्या रोल होता है ये पढ़ोगे, वाइटामिन ए का क्या रोल होता है ये पढ़ोगे, वाइटामिन डी का क्या रोल होता है ये पढ़ोगे। तो फिश ये कुछ जगह पे एडिबल भी होती है, कुछ जगह पर स्कॉलिडॉन जो है वो एडिबल भी है। देन हेट्रोसर्कल फिल के बारे में याद रख लेना कि भाई इनका एपिकॉडल और क्या नाम है हाइपोकोडल फिन होता है, और उनका जो पैल्विक फिन होता है उसके साथ एसोसिएटेड होते हैं क्लैस्पर, पैल्विक फिन के साथ एसोसिएटेड होते हैं क्लैस्पर। ये हो गया आपका डॉग फिश के बारे में। ठीक है बेटा, नेक्स्ट एग्जांपल पढ़ते हैं, लेट अस मूव टू नेक्स्ट एग्जांपल। नेक्स्ट एग्जांपल हम पढ़ेंगे, लेट अस टॉक अबाउट फर्स्ट जाइग्निया पढ़ लेते हैं, दो लाइन जाइग्निया के बारे में और दो लाइन सॉफिश के बारे। जाइग्निया इज द अदर नेम ऑफ हैमर हेडेड एंड प्रिस्टिस इज द अदर नेम ऑफ सॉफिश। तो जाइग्निया और सॉफिश के बारे में ही बता देता हूँ। थर्ड एग्जांपल वुड बी जाइग्निया, जिसको हमने बोला था हैमर हेडेड फिश, जाइग्निया इज हैमर हेडेड फिश। तो अगर मैं जाइग्निया को बना के दिखाऊँ आपको, उसके हेड पर ना दो लेटर लोब होते हैं और उस लेटर लोब के एंडिंग पर ही आ जाती आई, एंड देन द फिश वुड बी लाइक दिस। और ये उसके कौन से वो हो गए, डेट वुड बी द कॉडल फिन। कैसा होना चाहिए, एसिमेट्रिकल, कॉडल फिन शुड बी एसिमेट्रिकल। तो इसका करेक्टरिस्टिक फीचर होता है कि इसके हेड में ना दो लेटर लोब निकलते हैं और हर एक लेटर लोब के जो टर्मिनल पॉइंट होता है उसके ऊपर आई होती है। सो आई इज प्रेजेंट ऑन द ये इसका, बाकी तो फिन्स वगैरह लगाते रहो आप भाई। ये पेक्टोरल फिन हो गया, ये पैल्विक फिन के पेड़ दिखा दिए, ये डोर्सल फिन हो गया, एंड सो ऑन। ठीक है, इसके बारे में याद रखिए, कुछ को कहते हैं ना भुक्कड़ या पेटू। यस, जो जाइग्निया होती है वो वोरेशियस सरफेस फीडर होती है, ये छोटी छोटी फिश को सारी को खा जाती है। इट्स ए वोरेशियस, वोरेशियस इज फॉर पेटू एंड भुक्कड़, राइट, सरफेस फीडर, इसीलिए ये काफ़ी मशहूर है। सवाल भी पूछा जा सकता है विच ऑफ द फिश इज ए वोरेशियस सरफेस फीडर, आप आंसर करेंगे जाइग्निया, इट इज़ अ वेरी फास्ट स्विमर एंड वेरी फास्ट स्विमर। तो इट्स अ वेरी वोरेशियस सरफेस फीडर एंड अ वेरी फास्ट स्विमर। फिर इनके बारे में याद रखेंगे, इनका जो हेड होता है वो दो लेटरल लोब बना लेता है और हर एक लेटरल लोब का जो लेटरल एंड है उसके ऊपर आई होती है। इसके लीवर से भी ऑयल एक्सट्रैक्ट किया जाता है, ऑयल इज आल्सो एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम इट्स लीवर, फ्रॉम इट्स लीवर। इसमें वाइटामिन ए, वाइटामिन डी खूब भर भर के होगा, इसमें वाइटामिन ए एंड वाइटामिन डी खूब भर भर के होगा। ये हो गया बेटा जाइग्निया के बारे में। नेक्स्ट फिर फोर्थ आती है आपकी सॉफिश, प्रिस्टिस, प्रिस्टिस और लेट्स कॉल डेट सॉफिश। अब इसको सॉफिश क्यों कहते हैं वो सुन लो आप। इसके अंदर जो हेड होता है ना वो एक्सटेंड हो जाता है रोस्ट्रम के जैसे, इनके अंदर इनका जो हेड है वो एक्सटेंड हो जाएगा लाइक रोस्ट्रम, और जो सूंड निकल जाता है, राइट, और इसके ऊपर ना खूब सारे डेंटाइन होते हैं, खूब सारे टीथ लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जिनको बोलते हैं डेंटाइन, और वो जो आपके पास होता है ना वो लकड़ी काटने के लिए जो आरी होती है कुछ ऐसा हेड दिखता है, इसलिए सॉफिश कहते हैं। तो सॉ जो इंग्लिश वर्ड है वो आरे के लिए ही वर्ड यूज़ करता है। फिर बाद में इसका जो बॉडी होगा डेट वुड बी लाइक दिस,
सर ज़्यादा बड़ा हैड ही कर दिया आपने तो, ठीक है। एंड फिर बाद में इसका ये जो कॉडल फिन है तो समझ में आ ही जाएगा आपको कैसी फिश है, इट इज़ कार्टिलेजनस फिशेस। फिर आप इसके बारे में याद रख लेंगे तो मैं कुछ स्टेटमेंट बोल देता हूँ। इसका जो बॉडी होता है प्रिस्टिस का जो बॉडी होता है वो एक शार्क और एक रे के बीच वाला होता है। इट इज़ नाइदर डोसो लेटरली कंप्रेस्ड, डोसो लेटरली फ्लैटेंड, और इट इज़ नाइदर लेटरली कंप्रेस्ड। बॉडी इज समवेयर बिटवीन अ शार्क एंड अ रे। अभी मैं ना लिखवा दूंगा शार्क और रे में क्या फ़र्क होता है, अभी मैं आपको लिखवा दूंगा शार्क और रे में क्या फ़र्क होता है। तो इनका जो हेड है डैट इज़ सॉ लाइक रोस्ट्रम, हेड इज़ हैविंग सॉ लाइक रोस्ट्रम एंड दिस रोस्ट्रम इज़ हैविंग डेंटाइन, दिस रोस्ट्रम इज़ हैविंग अ सीरीज ऑफ स्ट्रॉन्ग टीथ लाइक डेंटाइन एंड एट डिफरेंट मार्जिन। और ये जो टीथ लाइक डेंटाइन होते हैं दीज आर द ऑर्गन ऑफ डिफेंस एंड ऑफेंस। जब भी ये ऑफेंसिव हो जाते हैं या जब भी इनको अपने आप को गुस्सा आता है या अपने आप को बचाना होता है तो इससे ही ये काम करते हैं। ये भी ओवरवी पैरस होती हैं। इनका जो बॉडी होता है डेट इज़ समवेयर बिटवीन व्हाट आई वाज टेलिंग यू डेट शार्क एंड रे। इनके पास वेंट्रल फिन वगैरह नहीं होता। तो अगर मैं इनके बाकी फिन आपको दिखाऊँ, ये हो गया पेक्टोरल, ये हो गया पेल्विक, पेल्विक के साथ ये बनाने की ज़रूरत नहीं है आपको नोटबुक में, सिर्फ स्कॉलिडोन का डायग्राम बना लेना, चलो बना लेना याद रखने के लिए कौन कैसा दिखता है। एग्जाम वगैरह में डायग्राम नहीं पूछे जाते इसके। ये क्लेस्पर हो गया, ये फर्स्ट डोर्सल फिन, ये सेकंड डोर्सल फिन, इसके अंदर वेंट्रल फिन नहीं होता है, ये लेटर लाइन ऑफ सेंसरी सिस्टम। तो इसके बारे में एक पॉइंट और, इट इज़ आल्सो विवीपैरस। तो दो आपने पढ़ ली, स्कॉलिडोन विवीपैरस पढ़ ली एंड जो आपकी ये है डैट इज़ यूअर सॉफिस एंड पिस्टिस, वो विवीपैरस होती है। रोस्ट्रम इज विद अ सीरीज ऑफ डेंटाइन आर शार्प टीथ। डेंटाइन जो वर्ड है वो शार्प टीथ के लिए आया है। ठीक है बेटा, अब दो एग्जांपल और बता देता हूँ आपको। वी हैव डन अबाउट काइमेरा, स्कॉलिडोन, जाइग्निया एंड प्रिस्टिस। अब वो जो इलेक्ट्रिक रे थी वो स्ट्रिंग रे थी उनके बारे में वो बता देता हूँ। लेट मी डिफाइन यू अबाउट इलेक्ट्रिक एंड स्ट्रिंग रे। मैं फटाफट ना दोनों को कुछ ऐसा कर लेता हूँ, दिस इज़ माई टू पार्ट ऑफ बोर्ड, यहाँ पे मैं बता देता हूँ आपको। पहले इलेक्ट्रिक रे, इलेक्ट्रिक रे होती है टॉर्पिडो और इसके अंदर जो इनके पेक्टोरल फिन होते हैं वो फ्यूज़ हो जाते हैं विद ट्रंक। और स्ट्रिंग रे होती है ट्राइगोन, ये थोड़ी काइट शेप हो जाती है। अभी मैं डायग्राम बना दूंगा, ये थोड़ी काइट शेप हो जाती है। तो पहले इलेक्ट्रिक रे के बारे में बता देता हूँ। इलेक्ट्रिक रे जो होती है बेटा वो बॉटम लिविंग मैराइन फिश है और जो डिस्चार्ज करते हैं थी इलेक्ट्रिसिटी इन ऑर्डर टू मेक इट्स प्रे अनकॉन्शियस। वो डिस्चार्ज करती रहती इलेक्ट्रिसिटी इन ऑर्डर टू मेक इट्स प्रे अनकॉन्शियस। पहले तो डायग्राम पे आते हैं। इसका लेट से ये ट्रंक वाला पार्ट है, दिस इज द ट्रंक वाला पार्ट एंड विद दिस ट्रंक वाला पार्ट दे वुड बी फ्यूज पेक्टोरल फिन। और लेट से ये इसका टेल वाला रीजन है, डेट इज द टेल रीजन एंड दिस इज द ट्रंक वाला पार्ट, राइट। ये मैं सीधा करके बना देता हूँ। एक्चुअली द पोजिशन विच आई एम शेयरिंग इट मेक अस डिफिकल्ट टू ड्रॉ अ सर्कुलर डायग्राम, लेट मी ट्राई इट अगेन हेयर। दिस हेयर इज ट्रंक, राइट, एंड फ्रॉम हेयर, यहाँ पेल्विक फिन वगैरह दिखा दूंगा मैं आपको, एंड दिस हेयर इज द टेल वाला पार्ट। तो मेनली देखने में कुछ ऐसी होती है। लेट से टेल को हम कुछ ऐसे कर देते हैं और टेल को सिग्निफाई करने के लिए ये एक बड़ा सा फिन बना दो और ये एक छोटा सा फिन बना दो। तो ये तो क्लियर हो गया कि भाई कैसी टेल है, डेट इज़ यूअर हेट्रोसर्कल टेल। अब ये जो इसका बॉडी वाला पार्ट है ट्रंक के बाद, इस पे ही होती है सारे के सारे फिन। मैं एक एक करके सारे फिन भी बता देता हूँ।
पहले डोर्सल फिन बनाता हूँ, इधर से अगर मैं आऊँगा तो लेट से दिस हेयर इज सेकेंड डोर्सल फिन, दिस हेयर इज सेकेंड डोर्सल फिन, दिस हेयर इज फर्स्ट डोर्सल फिन। तो फर्स्ट डोर्सल, सेकेंड डोर्सल, ठीक है बेटा। अब ये जो ये पार्ट होगा यहाँ पर मिलेंगे आपको पैल्विक फिन, जो ये पार्ट होगा यहाँ पर लोकेटेड होंगे आपके पैल्विक फिन। दिस पार्ट हियर, यहाँ पर आपको नजर आ रहे पैल्विक फिन। इनके जो पेक्टोरल फिन होते हैं दे आर फ्यूज्ड विद द ट्रंक। तो लेट से हियर आई एम शोइंग यू द फ्यूज्ड पेक्टोरल फिन, हियर आई एम शोइंग यू द फ्यूज्ड पेक्टोरल फिन। तो पहले इसकी लेबलिंग ही कर लेता हूं, पेक्टोरल फिन, पेल्विक फिन, कॉडल फिन, फर्स्ट डोर्सल एंड सेकेंड डोर्सल, ठीक है बेटा। अब बात करते हैं इस ट्रंक में क्या क्या नजर आएगा। ट्रंक में ऑन द डोर्सल साइड यू विल बी हैविंग अ पेयर ऑफ आईज, और आईज के साथ एसोसिएटेड होती है ओपनिंग ऑफ गिल स्लिट, और उन ओपनिंग ऑफ गिल स्लिट को बोलते हैं आईज के एकदम नीचे यू विल बी हैविंग, दे वुड बी हैविंग सर्टेन ओपनिंग ऑफ गिल स्लिट व्हिच इज मेंट फॉर द एंट्री ऑफ वाटर, इसको बोलते हैं स्पायरिकल। तो स्पायरिकल्स आर द ओपनिंग ऑफ गिल स्लिट, ओपनिंग ऑफ गिल्स विच आर मेंट फॉर एंट्री ऑफ वाटर। और यहीं पर डोर्सल साइड पर दे वुड बी मॉडिफाइड मसल्स विच आर सप्लाइड विद क्रेनियल नर्व्स, मॉडिफाइड मसल्स विच आर सप्लाइड विद क्रेनियल नर्व्स, और इन मॉडिफाइड मसल्स को बोलते हैं इलेक्ट्रिक ऑर्गन। इन मॉडिफाइड मसल्स को बोलते हैं बेटा इलेक्ट्रिक ऑर्गन, लेट से दिस इज इलेक्ट्रिक ऑर्गन। तो सबसे पहले अब ये तो होगा डायग्राम, ये कौन सी फिश है, दिस इज टॉर्पिडो, ठीक है। अब सुनिए इनके बारे में चार पांच बातें जो जो याद रखनी है। सबसे पहले बॉटम लिविंग होती है, डिस्चार्ज करती है करंट जो सफिशिएंट होता है उसके प्रे को ख़त्म करने के लिए, उनको अनकॉन्शियस बनाने के लिए। जो पेक्टोरल फिन है वो फ्यूज हो जाते हैं विद द ट्रंक ऑफ बॉडी। इलेक्ट्रिक ऑर्गन आर सिचुएटेड ऑन द डोर्सल साइड, ये डोर्सल पार्ट बता रहा हूँ मैं। इलेक्ट्रिक ऑर्गन बाई डेफिनेशन आर मॉडिफाइड मसल, दे आर मॉडिफाइड मसल प्लेट विच आर इनर्वेटेड बाई क्रेनियल नर्व। इलेक्ट्रिक ऑर्गन बाई डेफिनेशन आर मॉडिफाइड मसल इनर्वेटेड बाई क्रेनियल नर्व। 440 वोल्ट तक का झटका दे सकते हैं, दे कैन जनरेट ए करंट अप टू 440 वोल्ट, ठीक है। देन आप याद रखना इनके अंदर जो वाटर है वो माउथ से अंदर नहीं जाता, वो स्पायरिकल से अंदर जाता है। स्पायरिकल्स कहाँ के लिए है, दे आर मेंट फॉर द विड्रॉइंग वाटर इनसाइड। ये हो गया बेटा आपका इलेक्ट्रिक रे के बारे में। ट्राइगोन की अगर बात करें, ट्राइगोन का जो शेप होता है वो थोड़ा काइट शेप होता है। ट्राइगोन का जो शेप होगा डेट वुड बी काइट शेप्ड, और इसकी एक लॉन्ग टेल होती है, लॉन्ग टेल। उसके अंदर भी जो पेक्टोरल फिन है वो फ्यूज रहते हैं विद द ट्रंक पार्ट। अगर मैं ट्राइगोन को बनाऊं यहां पर, इट वुड बी समथिंग लाइक दिस। लेट से ये काइट शेप वाला पार्ट हो गया, और फिर ये उसका बॉडी पार्ट, एंड दैट बॉडी पार्ट इज हाईली कॉइल्ड लाइक दिस। जस्ट अ मिनट, एंड दिस इज द लॉन्ग टेल हेयर, दिस इज द लॉन्ग टेल हेयर। तो ये कौन सी फिश हो जाती है बच्चे, दिस इज योर ट्राइगोन स्ट्रिंग रे। बता देता हूँ फिर से, ये कौन से कलर में थे हमारे पास, जो पेक्टोरल फिन होंगे दे वुड बी फ्यूज लाइक दिस, पेक्टोरल फिन वुड बी फ्यूज विद द बॉडी समथिंग लाइक दिस। उसके बाद पेल्विक फिन, द वन विच आर इन रेड, दे वुड बी एग्जैक्टली हेयर। यहाँ पर मैं मैंशन करना चाहूँगा कि उनका जो डोर्सल फिन होता है वो मॉडिफाई हो जाता है स्पाइन में। द डोर्सल फिन इट गेट मॉडिफाइड इनटू स्पाइन। देन ये उनकी आईज हो गई, और ये स्पायरिकल्स हो गए। उनके पास इलेक्ट्रिक ऑर्गन नहीं होता है,
तो देखने में एग्जैक्टली आपका एक जैसा ही है इनका ट्रंक, बस ये फर्क होता है कि उसके पास इलेक्ट्रिक ऑर्गन नहीं होता है, ठीक है बेटा। उसके बाद लेट से ये जो सो कॉल्ड डोर्सल फिन था, इससे यहाँ पर डेवलप हो गया स्पाइन। तो स्पाइन इज मॉडिफाइड बाय डोर्सल फिन, डोर्सल फिन इज मॉडिफाइड इनटू स्पाइन, डोर्सल फिन इज मॉडिफाइड इनटू स्पाइन। और फिर लेट से मैं कुछ ऐसे करके दिखा देता हूँ, यहाँ पर इनका कॉडल फिन, दिस हेयर इज कॉडल फिन, जो कंप्लीट टेल वाले पार्ट को कवर कर रखा है, कॉडल फिन। एंड लेट से कुछ पार्ट टेल का अनकवर्ड है, दिस इज हेयर। एनीवेज क्या याद रखना है, पेल्विक फिन राइट, जो ट्राइगोन होता है उसके अंदर, उसको स्ट्रिंग रे कहते हैं। क्यों स्ट्रिंग रे कहते हैं, क्योंकि स्ट्रिंग डेवलप होता है डोर्सल फिन से, पहली बात, और ये सीवियर वाउंड कर देता है। टॉर्पीडो को क्यों कहते हैं, क्योंकि इसके इलेक्ट्रिक ऑर्गन होते हैं जो डेवलप होते हैं फ्रॉम मसल। ये दो बात याद रख लेना, ये हो गए सारे के सारे एग्जाम्पल। अब लास्ट में 2 मिनट का कंसेप्ट हो बचता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ए शार्क एंड अ रे, कि शार्क का बॉडी कैसा होता है बच्चों, रे का बॉडी कैसा होता है। तो डिफरेंस बिटवीन, एंड देन वील बी कम्प्लीटिंग अवर टॉपिक ऑफ कार्टिलेजनस फिशेज। हमने काफ़ी सारी चीज़ें पढ़ ली है, आई डोंट थिंक इससे बाहर कोई क्वेश्चन तुम्हें मिलेगा। देन वील बी लर्निंग अबाउट द कॉमन डिफरेंसेस बिटवीन अ शार्क एंड अ रे। जो मेजर डिफरेंस होता है दोनों में, वो उनके बॉडी कंपोजिशन का होता है, कि बॉडी फॉर्म का होता है, विल से नॉट कंपोजिशन। तो मैं बताऊंगा किसके पास डोर्सो वेंट्रली फ्लैटेंड बॉडी होती है, और किसके पास आपका ये क्या बताया था अभी, लेटरली कंप्रेस्ड बॉडी होती है। तो लेट अस टॉक, लेट अस मेक ए चार्ट, डिफरेंस बिटवीन शार्क एंड रेज। तो ये बना लिए चार्ट यहाँ पर। सबसे पहले पढ़ते हैं शार्क के बारे में, और फिर पढ़ लेंगे रे के बारे में। शार्क, और यहाँ पढ़ेंगे रे। मैं बताया था आपको बच्चों कि दोनों के ना बॉडी फॉर्म में फ़र्क होता है। पहले तो शार्क का बॉडी की डिस्कशन करते हैं। शार्क का जो बॉडी होता है वो स्पिंडल शेप होता है, आपने देखा भी होगा, एंड दैट इज लेटरली कंप्रेस्ड। इसका जो बॉडी है स्पिंडल शेप, अगर आप याद करें वो सॉलिडॉन, स्पिंडल शेप्ड, लेटरली कंप्रेस्ड। अब रे को अगर याद करोगे आप, रे का कैसा दिखा आपको, डिस्क लाइक दिखा सर हमें। तो रे का जो होता है वो डिस्क लाइक होता है, डोर्सो वेंट्रली फ्लैटेंड होता है, डिस्क लाइक डोर्सो वेंट्रली फ्लैटेंड। अच्छा, दोनों के जो फीडिंग है उसमें भी फर्क होता है, फ्लैटेंड। आपका जो रे होता है वो मेनली बॉटम फीडर होते हैं, और जो शार्क होते हैं वो सरफेस फीडर होते हैं। दीज आर बॉटम फीडर एंड दीज आर सरफेस फीडर। तो जो पहला सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट डिफरेंस है वो है उनका बॉडी शेप का। बताया था कि एक फिश का बॉडी तो दोनों की ही आपका जो है वो इंटरमीडिएट हो जाता है, क्लासिकल एग्जांपल वाज ज़िग्निया। फिर आप ये भी याद रख लेंगे इनके गिल स्लिट के बारे में, जनरली जो कोर्डेट होते हैं उनके गिल स्लिट लेटरल होते हैं, और शार्क में भी गिल स्लिट लेटरल होते हैं। थोड़े जब हम रेस की बात करते हैं उनके गिल स्लिट लेटरल ना होकर वो वेंट्रल साइड को पुश हो जाते हैं। तो खैर, गिल स्लिट का इतना ज़्यादा फर्क याद ही रख लेना, दे आर वेंट्रली सिचुएटेड गिल स्लिट, और इनके पास डोर्सली सिचुएटेड गिल स्लिट। ठीक है बेटा। और शार्क और रे में और फर्क याद रख लेना, पेक्टोरल फिन का भी आप देख सकते हैं। मेनली इनके अंदर क्या पढ़ा तुमने, पेक्टोरल फिन ना फ्यूज़ हो जाते हैं ट्रंक के साथ, और इनके अंदर पेक्टोरल फिन डिस्टिंक्ट होते हैं। इनके जो पेक्टोरल फिन हैं वो डिस्टिंक्ट होते हैं, और उनके जो पेक्टोरल फिन हैं दे आर फ्यूज्ड, एंड दे आर फ्यूज विद ट्रंक। फिर स्पायरिकल का भी जिक्र कर लेना, इसमें हमेशा स्पायरिकल प्रजेंट होते हैं, स्पायरिकल्स आर ऑलवेज प्रजेंट। और शार्क के अंदर स्पाइरिकल हो भी सकते हैं, नहीं भी होते हैं, स्पाइरिकल्स
may be or may not be present. Spiracles may be or may not be present. तो बच्चे ये कुछ फीचर्स हो गए आपके शार्क और रेज के बारे में, ठीक है। रे का एग्जांपल और शार्क का एग्जांपल तो मैं बताने वाला नहीं हूँ। अब आज का जो लेक्चर था डेट वाज मेनली फोकस्ड और डेट वाज ओनली अबाउट कार्टिलेजनस फिशेस। आप क्या करेंगे, पहले कार्टिलेजनस फिशेस के करेक्टर्स याद करेंगे और देन फिशेस को कॉमन नेम और उनके जनरल फीचर तो याद कर ही लेना। आज के लिए इतना ही, कल हम पढ़ेंगे बोनी फिशेस के बारे में और कल फिश वाला पार्ट हम ख़त्म कर देंगे। तो फिश के टोटल हमारे 3 लेक्चर हो जाएंगे, जनरल इंट्रोडक्शन टू फिशेस, क्लास पाइशीज वाला, देन कार्टिलेजनस फिशेस एंड देन बोनी फिशेस, और ये हो जाएगा हमारा पाइशीज के बारे में। फिर हम शुरू करेंगे अपना टेट्रापोडा, एम्फीबिया, रेप्टिलिया, एव्स एंड मैमल्स। तो हम कोशिश करेंगे 2-2 लेक्चर में सारी क्लासेस कंप्लीट हो जाए। तो दिस इज ऑल फॉर टुडे, स्टे सेफ, इफ एनी डाउट कम प्लीज टेक्स्ट ऑन द ग्रुप। थैंक यू।